अमृतसर दे गुरु बाजार विच दो नौजवानों वालों कीती गई लूट। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे च कैद। 300 ग्राम सोना ते 15 लाख दी नगदी लैके होए ने फरार। पंजाब च लगातार ही कानून व्यवस्था खराब होंदी होई नजर आ रही है, जिसके चलते लुटेरियां दे हौसले बुलंद होंदे जा रहे ने। ताजा मामला सामने आया अमृतसर तो, जिथे की अमृतसर दे मशहूर गुरु बाजार दे विच दो नौजवानों वालों लुट दी वारदात नूं अंजाम दिता गया, जिसकी घटना की सारी सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो गई है। उत्थे ही पुलिस मौके ते पहुंची ते पुलिस वालों सीसीटीवी कैमरे दी मदद राही आरोपी नूं फड़न दी गल कीती जा रही है। ते पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दो नकाबपोश नौजवानों ने, जो कि एक दुकान के उपर चढ़ता है ते दूसरा मोटरसाइकिल ते सवार हुंदा है, ते नाल ही उन्हां वालों चोरी दी वारदात नूं अंजाम दित्ता जांदा। उन्हां ए भी कहा कि असीं इस दी बरीकी दे नाल जांच कर रहे हां ते जल्द ही आरोपियों नूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दे नाल ही पुलिस अधिकारियों ने यह भी दस्सिया कि लुटेरे 300 ग्राम के करीब सोना ते 15 लाख की नकदी लैके फरार हो गए ने। उत्थे ही दूसरे पास पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि नौजवानों वालों साढ़े ते हमला करने की कोशिश की गई है ते यह लुटेरे 300 ग्राम सोना ते 15 लाख की नकदी लैके फरार हो गए ने। उन्हां वालों पुलिस प्रशासन को अपील की है कि जल्द तो जल्द इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए ते आरोपी नूं फड़ के सलाखा पिछे भेजा जाए। इस दे बारे तजिंदर पाल सिंह पीड़ित व्यक्ति का की कहना, आओ सुनांदे आं। इत्थे जिक्र जो गया कि करोड़ा रुपए का लेन देन ते करोड़ा रुपए का कारोबार अमृतसर के गुरु बाजार दे विच कीता जांदा है ते इस जगह उत्ते लुटेरे बेखौफ होके अपनी लुट की वारदात नूं अंजाम दिंदे ने, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ कार्रवाई करन दी गल आके अपना पल्ला झाड़ दिंदी है। हुण वेखना यह होवेगा कि पुलिस कदों तक इन्हां लुटेरियां नूं गिरफ्तार करके सलाखा पिछे भेजदी है। आओ सुनदे आं पुलिस अधिकारियों का इन्हां बारे की कहना है। भाजी इत्थे आरी का काम हुंदा वा ते 7 वजे मुंडे आए आ चाबियां लै के घरों भाजी दे काम वास्ते, ते 7 वजे आ के 7:15 वजे दुकान खोली उन्होंने, ते दो मुंडे आए आ 2-4 वजे नंगे गली चों, ठीक है जी, ध्यान रख्या वा, ते फिर 8 वजे उत्ते आए आ ते आके उन्होंने चैक किया, दो जने लगे आ, फिर दूजे मुंडे नूं लैके आया वा, ठीक है जी, फिर वह आके तो उन्होंने सीधी पत्री खोई उन्हें काम करन दे ही मुंडे का अपने ध्यान, ठीक है जी, तो वह पत्री खोई तो दूजे मुंडे ने मना किया, तो उन्हें हाथ लाकी करन दी भी कोशिश की, तो फिर भाजी उन्हें पिस्टल कढ लिया, तो वह फिर हार के उन्होंने पत्री फड़ाउणी पई, तो भाजी फिर वह लैके चल गए। किन्ना का नुकसान होया भाजी? ये घट्टो घट 18-20 लाख के बिच बिच। मैं उदों कि आप उस टाइम मौके पर आप नहीं ना है, वो तो बाद पता लगेगा हिसाब कर कि सिस्टम निकलिया की बनता वा मैटर वगैरह। हाँ जी लगता तो है भाजी, मंग यही है कि भाजी इंसाफ दिता जाए, छेती तो छेती कार्रवाई की जाए प्रशासन भाजी। हूँ मैं कह सकता क्यों भाई आप कारीगर बंदे हाँ। हाँ भाई एक शॉप हैगी है इतने सू सवेरे अराउंड 8 बजे खबर आई थी कि दो लड़के आए है मोटरसाइकिल, एक लड़का उत्ते गया तो उन्हें जोड़ा इतों उत्ते गए है, तो दो वर्कर इन्हों काम करते हुए थे, तो उन्होंने उन्होंने जोड़े पत्रे है सोने के वो छीने है, वो अराउंड 300 ग्राम के कहें भी है, हजे बाकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हैगी है, बाकी सारा असं डिटेल हम देखा FIR दर्ज करके की गल है। 300 ग्राम सोना 15 लाख चोरी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, असी जी हूँ तक असी सीसीटीवी कैमरा से भी लाती है, बाकी इतने कैमरा से चैक करके जी लोकल डंप है वह भी असी जो चुकवाया, बाकी एक टीम साड़ी सीसीटीवी भी लग गई। सर सीसीटीवी की दिखाई दे रहा जी? हजे तक सीसीटीवी के दो लड़के, एक तो स्पलेंडर मोटरसाइकिल से आते हैं, उत्ते एक जना जाता है, तो वो हाथ के असी हजे शोर नहीं है कि वह टॉय पिस्टल हैगी है कि असली गन हैगी है, इन्ना हजे सीसीटीवी चाहिए। नाइट ड्यूटी कर रहे हैं नौजवान, उन्होंने को भी पूछगिछ की जाएगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, जेडे इतने सारे नाइट ड्यूटी के है जो वर्कर है, बाकी सीसीटीवी के जो जो भी सानू अगों तत्थ मिलने सारे असं वेरीफाई करा। ठीक है।